जैसे कल सिद्दीक कप्पन को जो उसी केस में अरेस्ट हुए, अगर उनको बेल मिल सकती है और ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सही कहा है कि उन्होंने क्राइम किया क्या था कि आप उनको पकड़ लें, कौन सा उनका लिटरेचर ऐसा था जो आप कह सकते हैं कि कोई जुर्म हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर उनको मिल गई बेल तो अतीकुर रहमान को भी बहुत जल्द बेल मिल जाएगी। मैं जो बलात्कार रही हूँ उनके लिए इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, अगर गिल्टी प्रूव भी हो जाते हैं तब भी आप उनको रिहा कर देते कि नहीं हम नहीं मानते, वो तो बड़े संस्कारी लोग थे, हम नहीं मानते कि उन्होंने किया होगा, और अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। एकदम हो रहा है दुरुपयोग, जो हमारे संविधान में जो बेसिक हमारा जो हक है, न्याय की जो प्रणाली है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और पूरी दुनिया में यही चलती है, आपने उसको पूरा उलट दिया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और वो भी अगर आप खास समुदाय से हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप गरीब हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अप्लाई करेगा। गिल्टी अंटिल प्रूव्ड इनोसेंट, जिसको भी चाहो जेल में डाल दो, और ये पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज़ कीजिए, यूएपीए को रिपील कीजिए, और जितने लोग इस कानून के अंदर अंदर डाले गए हैं उनको सबको रिहा कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये सेडिशन लॉ मिसयूज़ हुआ है, तो सेडिशन लॉ जैसा ही यूएपीए है वो भी मिसयूज़ हुआ है, तो उसका उसको क्यों रिपील क्यों नहीं करा रही है सुप्रीम कोर्ट, ये हम पूछना चाहते हैं। वो भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है बेगुनाहों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, जैसे कि पूरा भीमा कोरेगांव के जैसे 16 लोगों को किया गया, वो जाने माने लॉयर्स, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे या अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, कोई भी उन्होंने हिंसा की कार्रवाई कभी नहीं की, तो उनके खिलाफ इस तरह का कानून क्यों यूज़ किया गया, क्यों वो जेलों में पड़े, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। और जब तक जेल में हैं आप, जेल की कोई मैनुअल नहीं फॉलो होती है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलती, एक स्ट्रॉ ही आपको मिलता है पानी पीने के लिए अगर आपको पार्किंसन है, आपको अपने चश्मे नहीं मिलते हैं अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ ऐसे जैसे कि गैस चैम्बर की तरह उनको डाल दिया गया कि पड़े रहो, सड़ते रहो, वहाँ पे मर जाओ, ये कोई न्याय होता है? तो इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ हमेशा उठाएंगे, उठाते आए हैं, और आज भी अतीकुर रहमान के साथ यही हुआ है। और जैसे कल सिद्दीक कप्पन को जो उसी केस में अरेस्ट हुए, अगर उनको बेल मिल सकती है और ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सही कहा है कि उन्होंने क्राइम किया क्या था कि आप उनको पकड़ लें, कौन सा उनका लिटरेचर ऐसा था जो आप कह सकते हैं कि कोई जुर्म हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर उनको मिल गई बेल तो अतीकुर रहमान को भी बहुत जल्द बेल मिल जाएगी। मेडिकल ग्राउंड्स पे तो तुरंत मिलनी चाहिए, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, और वैसे भी क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है उनको बेल मिलनी चाहिए, हियरिंग चलती रहेगी, आएंगे हियरिंग में, वो मना थोड़ी कर रहे हैं। कोई क्राइम नहीं किया, इन्हें बेल नहीं मिली, लेकिन जो अपराधी हैं, बलात्कारी, उनको तो रिहा किया जा रहा है। यही तो हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, तभी तो मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेटरी है कि जो बलात्कारी हैं उनके लिए इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, अगर गिल्टी प्रूव भी हो जाते हैं तब भी आप उनको रिहा कर देते कि नहीं हम नहीं मानते, वो तो बड़े संस्कारी लोग थे, हम नहीं मानते कि उन्होंने किया होगा, और अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उनके गार्लेंड पर उनको माले पहनाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही घिनौनी बात है कि जो लोग न्याय के लिए लड़ते आए 20 साल, उन्होंने न्याय के लिए लड़े और कुछ लोग कन्विक्ट भी है, जैसे तीस्ता सीतलवाद, जिन्होंने हिम्मत की और गवाही दी, जैसे संजीव भट्ट, जैसे आरबी श्री कुमार, जो हाईएस्ट पोस्ट पे पुलिस ऑफिसर थे गुजरात में, उन लोगों को सच बोलने के लिए आपने जेल में डाल दिया अभी, और क्या कोई बेसिस थी उसकी? आप यही कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि 20 साल तक आप सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं एसआईटी को, आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसी तरह से आदिवासियों के साथ हुआ कि जहाँ पे गोमपाट में जो मैसेकर हुआ था 2009 में मेरे ख्याल से, और तब से न्याय नहीं मिला उनको, वो केस ये था कि इन्वेस्टिगेशन हो इनका, क्योंकि सीआरपीएफ ने खुद मारा इनको, ये इन्वेस्टिगेशन करने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेट कराइए, इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं। दूसरा ये है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप न्याय मांगने आए हैं, आप ही के खिलाफ 5 लाख का जुर्माना और सीबीआई वगैरह आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो क्या हमारे कोर्ट्स इसलिए हैं कि हमें कोर्ट्स में जाने से रोका जाए कि हम न्याय नहीं मांग सकते? और अगर गरीब आदमी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जो जिनकी अपनी आवाज़ नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, सोशल हालात ऐसे हैं कि वो खुद नहीं आ सकते, अगर सिविल सोसाइटी से लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो बजाय कि उनको हमें
रोल मॉडल बनाने के लिए कि हमें ऐसे ही नागरिक चाहिए जो दूसरों की मदद के लिए आगे आए, हम उन्हीं को जेल में डाल देंगे। बहुत ही बुरा दौर हमारे देश में चल रहा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण कल जागी है जो सुप्रीम कोर्ट से सिद्दीक कप्पन को बेल मिली है। ये तमाम सोशल एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट जो जेल में डाले जा रहे हैं, इनके लिए विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठाता, अगर क्या वजह है? विपक्ष को कमज़ोर किया गया है लगातार डिमोनेटाइजेशन के बाद। आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो सिस्टम आया, जो आज तक सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई, तो उसका मेजर बेनिफिशियरी कौन है, किस पार्टी को मिल रहा है? ये एकदम ओपेक जो डोनेशन होता है जिसमें से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल गायब है। तो उस पैसे के दम पे अगर कोई एमएलए कहीं किसी पार्टी में की टिकट पे जीतता भी है तो उसके जीतने के बाद उसको खरीद लिया जाता है। आपने देखा कि क्या हुआ कि महाराष्ट्र के एमएलए को चुपचाप वहाँ पे असम ले जाके किस तरह से, और सारा जो किसने किया सबने सबको दिख रहा है। तो ये पूरी डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का भी कोई मायने नहीं है रह गया है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कमज़ोर की गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से लोगों को तोड़ा जाता है, तो अंदर से वो भी जैसे घर का भेदी होता है, वो भी तोड़ने का काम करने लगता है वहाँ पे। तो पैसे के दम पे ये पूरे ऑपोजिशन को ख़त्म कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो ऑपोजिशन मुक्त भारत चाहिए। तो डेमोक्रेसी का क्या ये मायने है कि ऑपोजिशन मुक्त भारत आपको चाहिए, है ना? इसलिए हम ऑपोजिशन पार्टीज जैसी भी हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, जैसी भी हैं, कितने भी उन्होंने पास्ट में जितने भी गलत काम अगर हो सकता है गलतियां की हों, उनको एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के वजूद को हमें बचाना है, हमारे समाज के वजूद को बताना है। हमारा जो मिलीजुली संस्कृति और जितने भी अलग अलग स्टैंड्स हैं, उन्होंने मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इस आज़ादी को हमें बचाना है, इसलिए हमें उन सारी ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट करना है। ये लोग एक ही केस में अंदर गए थे सिद्दीकी कप्पन को छोड़ दिया, आखिर इनके क्यों नहीं बेल मिली? किनको? अतिकुर रहमान। क्योंकि ये सरकार जो है वो ऊपर से दबाव पड़ रहा है, और वो दबाव आपको न्याय प्रणाली में दिखता है कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से अगर आप मुस्लिम हैं, और अगर आप कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर हैं, तो आपको न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। वो पहले से पीछे पड़े हुए हैं इनके खिलाफ, वो दिख रहा है। तो उनकी क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, उनका जो पूरा एक धर्म के बेसिस पे, जो बिल्कुल अधर्मी है, वो धर्म के बेसिस पे अपना जो चला रहे हैं पॉलिटिक्स को, उसमें एक उनको चाहिए विलेन। तो विलेन किसको बनाया है? जैसे जर्मनी में जूस को विलेन बनाया गया है ना, कि कोई मिलना चाहिए जिसके खिलाफ लोग नफरत करें, है ना? तो यहाँ पे बड़ा एक सूटेबल उनको विलेन मिल गया, मुसलमान, क्योंकि पार्टीशन के पहले से, तब भी इनका यही रोल था, पार्टीशन के ज़माने से एक फॉल्ट लाइन तो है हमारे समाज में, वो तो हमें कहना पड़ेगा। और कास्ट सिस्टम भी हमारे देश में इतने सालों से चली आ रही है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो भी है, और उसका एक फॉलआउट मुस्लिम्स के खिलाफ भी हो जाता है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम इतनी डीप रूटेड है हमारे यहाँ। तो इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया गया, जैसे हिटलर ने जूस के खिलाफ एक्सप्लॉइट किया, हमारे इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने आपकी, आप अच्छे हिंदू कब हैं? जब आप मुसलमान से नफरत करते हैं। ये तो पूरा हिंदुइज्म में कहीं लिखा ही नहीं है, आप सारा हिंदू ग्रंथ देख लें, उसमें कहीं मुसलमान नाम ही नहीं है। अरे मुस्लिम तो बहुत बाद में आए, ये तो सनातन धर्म बहुत पुराना है, उसमें हर जीव की बात होती है, हर जीव जो है उसमें ईश्वर मौजूद है। तो अगर आप किसी मुसलमान को मुसलमान कह के प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप ईश्वर को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना, सब मुसलमानों के पूर्वज जो है वो हिंदू हैं। अरे हिंदू है, इंसान तो है ना, ऐसा है कि अगर हैं तो फिर आप उनके खिलाफ इस तरह से क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? आपके जो इतने धर्म संसद में लोग जा रहे हैं, आप ही की पार्टी के लोग, और जो मिनिस्टर बने, क्यों जहर उगल रहे हैं, गोली मारो इनको, ये करो वो करो, ख़त्म कर दो? तो आप, आपकी बात तो नहीं सुनाई जा रही है, ये जो है ये अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं, जब इनको सूट करता है वो ऐसे बोलेंगे, जब सूट करता है वैसे बोलेंगे। आपने वो नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, पहले नहीं किया, लेकिन जब ये अरब देशों ने उनका जो वहाँ पे एक ट्रेड था वो थ्रेटन हुआ, तब आपने उनको सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसमें कोई परवाह नहीं है, कभी लव जिहाद को लेके आप शोर मचा रहे हैं, कभी आप किसी ना किसी चीज़ को लेके शोर मचाते हैं, है ना? तो ये आप हिजाब को लेके शोर मचा रहे हैं बेकार के, लोगों को, लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। अरे सर ढक लिया तो क्या हो गया? आप यूनिफॉर्म का कलर उनको अलाउ कर दो, पगड़ी नहीं पहन के आते हैं लोग, और जज कुछ भी बोल देते हैं। तो बहुत ही शर्म आती है हमें कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें से मिल के इसके खिलाफ आवाज़ लगातार उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा। मरते हुए लोकतंत्र जो अभी सांसें गिन रहा है, तो उसमें अब एक्टिविस्ट लोग जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं लगातार, जो सरकार से सवाल करते हैं या फिर ऐसे पत्रकार जो सवाल करते हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा और क्या कुछ नया होगा?
देखिए वो नया भी हमारे हमसे ही होगा, है ना। अब जैसे हम कहते हैं ना, हम देखेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा, मतलब कि वो जो कोई ऊपर से नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, है ना। कोई जिसको भी अगर हम लोग मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, वो बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर से ही आएगा। हमें खुद ही वो जंग लड़नी पड़ेगी और हिम्मत नहीं हारनी है। देखो CA में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जो पूरे दुनिया ने कभी नहीं देखा इतना। फिर किसानों का भी हुआ, लेकिन किसानों का थोड़ा लोकलाइज था, ये पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। और जो महिलाएं सामने आई, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं किसी की, दादियां सामने आ गई सारी। तो यही चीज़ हमको आगे ले जाएगी, हमें हिम्मत नहीं हारनी। अगर हम डर गए तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें डरना नहीं है। हम लोग को जेल में डालते चले जाएंगे, कितनों को जेल में डालेंगे। लेकिन इस मामलों में देखा गया, जो धर्मगुरु होते हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाते। नहीं, धर्म गुरु आवाज़ उठाते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। मतलब मैं देख रही थी कि ये बनारस में जो हो रहा है, तो वहाँ पे कई ऐसे धर्म गुरु थे जो बोलने के लिए तैयार है, कह रहे थे कि इन्होंने सारे शिवलिंग तोड़ दिए वहाँ पे। मतलब उनके नाम बता बता के तोड़ भी दिए, उठा उठा के ले गए, बेच रहे हैं कहीं। ये तो पूरा ये सौदे सौदागर हैं, कोई धार्मिक नहीं इनमें से। हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता, ये पाप है, जो हो रहा है वो पाप है, घोर पाप है, इनको कोई माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि कलयुग आ गया, तो कलयुग में ऐसे लोग राज करते हैं, लेकिन हमें इनके खिलाफ मिलकर लड़ना। अभी हमने प्रोफेसर नंदिता नारायण जी से बात की, किस तरीके से लगातार सिद्दीकी कप्पन हो, चाहे अतीकुर रहमान हो, चाहे खालिद हो, सरजील इमाम हो, ऐसे कई नाम हैं, कई जाने माने नाम हैं, सफूरा जरगर जैसे नाम हो, जो CAA NRC के तहत जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जो है उनके नाम गिनाकर, उनके ऊपर UAPA जैसी धाराएं लगाकर उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया है लगातार। इसी के चलते जब वहां पर आप हत्याकांड आपको याद होगा हाथरस का, हाथरस में जिस तरीके से दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। और सोचिए उसके साथ जो कुछ होने वाली घटना को कवर करने जाता है, तो उसको कैसे जेलों में भर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उसके बाद इतने टाइम बाद जो है बेल मिलती है, और उसमें भी कुछ राहतें देते हुए जो है सारी बातें कही जाती हैं कि इस तरीके से तुम बाहर नहीं जा सकते। और उसी के साथ जब अतीकुर रहमान जैसे वहाँ पे, वो भी उनके साथ थे सिद्दीकी कप्पन के साथ, लेकिन उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। और सोचिए वो दिल की बीमारी और आधे हिस्से पैरालाइज है उनका, उससे लड़ रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति में बेल हो जानी चाहिए और ऐसी स्थिति में अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी उन्हें वहाँ नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब क्या कुछ है और कैसे लोकतंत्र को मारा जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, प्रेस क्लब, दिल्ली।